हेलो दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है। यहाँ पे देखो, इस फ़ोन का डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, चार्जर मैंने लगाया, सेट ऑन हो गया, 1.8 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब सेट ऑन है, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले में लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और इसका मॉडल सैमसंग A12, M12 और भी कुछ मॉडल से ये मदरबोर्ड मैच करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम मदरबोर्ड होना चाहिए। A12, M12 और भी कुछ मॉडल में मैच करता है ये मदरबोर्ड, नहीं तो ये इसका जो लाइट सेक्शन है ये मैच कर लेता है, ठीक है ना, वो आप लोग देख लीजिए। और इसका लाइट आईसी रहता है सीपीयू का पास में, तो सीपीयू जहाँ पे रहता है उस टीना को आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रहता है उसका लाइट आईसी, लाइट कॉइल, लाइट डायोड सब एक साथ में है। तो दोस्तों फटाफट टीना को काट के निकलते हैं, टीना को फिर काम करते हैं, है ना। मैंने एक न्यू कटर लिया है, यहाँ पे देखो इस तरह से ये टीना को काट सकता है हम लोग, है ना, लेकिन इसमें हम काम इतना नहीं करते हैं। और यहाँ पे इसका लाइट आईसी, लाइट कॉइल, लाइट डायोड हर एक चीज मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो टीना निकलने का टाइम में, एक तो रेजिस्टेंस निकल गया यहाँ पे देखो, और एक तो कैपेसिटर निकल गया, ठीक है ना। ये कैपेसिटर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम लोग काम करेंगे। तो किसी भी टीना अगर आप लोग निकलते हैं तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी छोटा सा कंपोनेंट, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसे रेजिस्टेंस निकलता है तो फिर आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम होगा। कैपेसिटर निकलता है तो प्रॉब्लम नहीं आता है इतना जल्दी, लेकिन रेजिस्टेंस निकलने से आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही 100%, ठीक है। तो उसको जोड़ना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो, मैंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अच्छे से जोड़ दिया है। आप चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पे देखो इसका लाइट डायोड, ये है लाइट डायोड और ये कॉइल, और ये लाइट डायोड का जो लाइन है इस कैपेसिटर पर आया है, ठीक है ना। और इस कैपेसिटर में 20 वोल्ट प्लस होता है, ठीक है दोस्तों, 20 वोल्ट प्लस। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कैपेसिटर आप लोग नहीं लगा सकता है। सबसे पहले हम लोग इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट रहता है तो ये कॉइल भी ख़राब होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार में कॉइल और कैपेसिटर दोनों को चेंज करो, क्योंकि ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट रहता है और उसका साथ में कॉइल भी सही रहता है तो फिर आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है, डेड कंडीशन में आएगा उस टाइम आपका फ़ोन डेड कंडीशन में आएगा, ठीक है। अभी जैसे मान ले ये फ़ोन ऑन कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। यहाँ पे देखो मीटर में, देखो फुल शॉर्ट तो नहीं है, बट 21 रीडिंग आ रहा है, ये फुल शॉर्ट जैसे है, लेकिन इसको फुल शॉर्ट हम लोग नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को रिमूव करके दूसरे कैपेसिटर डालते हैं, ठीक है। और आपको भी दिखाएगा इस कैपेसिटर में शॉर्ट है क्या नहीं है, अलग से चेक करके भी दिखाएगा। और इस वीडियो में आपको दिखाएगा एक बार कैपेसिटर डाल के, दिखाएगा क्या सेट में लाइट आ रहा है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सेट ऑन है और कोई भी हीट नहीं हो रहा है। सेट ऑन तो है लेकिन कोई पे हीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो दूसरा कैपेसिटर मैंने डाल रहा है, ठीक है ना, ये लाइट सेक्शन का ही है, दूसरे जगह का कैपेसिटर इसमें डालने से ये फिर बहुत ही जल्दी ख़राब होगा, ठीक है। अगर कॉइल सही रहता तो ये मदरबोर्ड बहुत ही ज़्यादा हीट करता था, और बहुत सारे फ़ोन तो ऑन भी नहीं होता है। लाइट का कैपेसिटर अगर शॉर्ट रहता है
और बहुत सारे फ़ोन ऑन भी नहीं रहते। तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। और ये कैपेसिटर में देखो शॉर्ट शॉर्ट है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कैपेसिटर को डाला है, ये कॉयल को अभी नहीं डाल रहा है, ठीक है। अभी एक बार चेक करते देखते हैं क्या लाइट आता है क्या नहीं। अगर लाइट नहीं आता है तो फिर कॉयल को भी चेंज करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल से ये कॉयल 100% ख़राब होना चाहिए, क्योंकि मदरबोर्ड कहीं पर भी हीट नहीं हो रहा था, हीट भी नहीं हो रहा था, और ऑन तो हो ही जा रहा है, आपने देखा होगा, है ना। अगर कैपेसिटर शॉर्ट रहता है और कॉयल भी सही रहता है तो वोल्टेज जो है ना वो आगे जाने नहीं देते हैं, इसकी वजह से कॉयल कैपेसिटर आईसी हर एक चीज़ हीट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सेम कंडीशन है, जो लाइट कैपेसिटर था उसको मैंने चेंज किया, फिर भी सेम कंडीशन में है, लाइट नहीं आ रहा है। और एक बात दोस्तों, इसका जो लाइट आईसी है, ये लाइट ग्राफिक्स और लाइट आईसी एक साथ में बनाया, ठीक है। अगर आपका फ़ोन में लाइट आ रहा है ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो आपको इस आईसी को चेंज करना चाहिए, ठीक है, लाइट आईसी को। तो आप फटाफट कॉयल को भी चेंज करके देखते हैं। दोस्तों क्या आप लोग फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हैं? अगर फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है बिग मोल रिपेयर नाम से, उसमें आइए जुड़िए। उसमें लगभग मेरा 750 जैसा वीडियो है और सब्सक्राइबर लगभग 1 लाख जैसा है, ठीक है ना। तो आइए जुड़िए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर पहली बार फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं देते। चलो, मैंने क्या किया, कॉयल और कैपेसिटर दोनों को चेंज कर दिया, ठीक। अब देखते हैं, कॉयल को चेक करते हैं क्या कॉयल सही था क्या नहीं। 110% ख़राब होना चाहिए, यहाँ पे देखो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, कॉयल काट गया है ये कॉयल, ठीक। तो इसका वजह से ये फ़ोन ऑन हो रहा था और मदरबोर्ड में किसी प्रकार का भी हीटिंग नहीं हो रहा था। तो आप देखते हैं क्या डिस्प्ले में लाइट आ रहा है क्या नहीं। मदरबोर्ड थोड़ा ही गर्म है, थोड़ा सा ही वेट करेंगे। किसी भी फ़ोन में अगर लाइट का प्रॉब्लम होते हैं और लाइट कैपेसिटर में कुछ फॉल्ट मिलता है तो आपको कॉयल और कैपेसिटर दोनों को ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये डायोड जो है इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है लाइट का। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, लाइट आ चुका है ना। लाइट का जो डायोड होता है ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, ये डायोड बहुत ही स्ट्रांग रहता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।